कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ ऐसा ही किया है भारत ने। भारत ने आखिरकार यूएन को मजबूर कर दिया है, गुटरेस को सबके सामने कहना पड़ा। क्या भारत को मिलेगा वीटो, जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पर बड़े बम फोड़ दिए भारत ने, जो लोग सोचते थे नहीं हो पाएगा वो कर दिया है भारत ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का कद दुनिया भर में कैसे बढ़ा है आप ऐसे समझिए, हिरोशिमा में जब G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा था ना, तब जापानी मीडिया में सबसे ज्यादा कवरेज पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की की मुलाकात का था। रविवार को जापानी अखबार पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकातों की खबरों से भरे हुए थे। जापानी अखबारों में जेलेंस्की की हिरोशिमा यात्रा को भी कवर किया गया था, तो वहीं जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की बैठक को भी बहुत ज्यादा कवर किया गया था। अखबारों को देख सकते हैं आप, यानी भारतीय पीएम धीरे धीरे दुनिया में छा रहे हैं और भारत का कद भी दुनिया में बढ़ रहा है। हालांकि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन को हर तरह की मदद करने की बात भी कही थी कि जो भी संभव होगा वो हम मदद करेंगे, शांति के लिए जो आवश्यक होगा वो सारे काम हम करेंगे। पर इस G7 में पीएम मोदी ने कई सारी बातें उठाई और ऐसी बातें उठाई जो बेहद जरूरी थी। इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि एक तो दुनिया भर के जो संस्थान है ना उनमें सुधार होनी चाहिए। यूएन को चर्चा का एक मंच मत बनाओ कि लोग यहाँ आए गप्पे मारे और गप्पे मार कर चले जाएं। चाहे यूएन हो या यूएनएससी हो, इस तरीके का नहीं बन सकता है। इन्हें हमें बातचीत का मंच नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इनको फिर से बदल कर शक्तिशाली बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि भला हम शांति और स्थिरता की बातें करने के लिए अलग अलग मंच पर क्यों आ रहे हैं। हम यूएन को क्यों हमने बनाया था, यूएन को हमने बनाया था दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए। आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की कई सारी परिभाषा है। अगर आप सोचेंगे तो समझ में आएगा कि जो ये बना है बहुत पुराना संगठन है, इस संगठन को अब बदलने की जरूरत है, आज की दिशा में काम करने की जरूरत है। हमें इसे बदल कर आज के समय के अनुसार इनमें सदस्यों को डालना चाहिए, नियमों को भी बदलना चाहिए। खैर, पीएम मोदी ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात को दोहराई और भारत ने जिस तरीके से समझा दिया, अब उसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। अब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस, इसने यूएनएससी में सुधार का समर्थन किया है। इन्होंने आखिर पीएम मोदी की भाषा बोलनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हाँ 1945 के हिसाब से चल रहा है चीजें, जबकि दुनिया बदल चुकी है और दुनिया जब बदल चुकी है तो हमें भी बदलना चाहिए। ये देखिए, पहले क्या होता था, यूएनएससी की बैठक होती थी ना, किसी की मजाल नहीं होती थी कि कोई कुछ कह दे, कोई ये बात कह दे कि हमें यूएनएससी को ही बदलना है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की और महामारी के समय की, जब उन्होंने कहा कि महामारी आया, दुनिया भर में फैल गया, तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम में बदलाव की जरूरत है। ये पहला बार था जब भारत ने खुले आम बोलना शुरू कर दिया यूएन के खिलाफ। हालांकि पहली बार में बाकी के पांचों देश चौंक गए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें भी भारत की हां में हां मिलाना पड़ा। चाइना तो अभी भी हां में हां नहीं मिलाता है। चार देश भले हां में हां मिलाते हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां पर वीटो दिया जाए भारत को या नए अस्थाई सदस्यों को जोड़ा जाए। आपको बता दें, इन देशों ने खुद को ही नामित कर लिया, यहाँ पर कोई वोटिंग शोटिंग नहीं हुई थी कि ये 4 से 5 देश बनेंगे परमानेंट मेंबर। इन्होंने शक्ति अपने हाथ में रख ली और शक्ति अपने हाथ में रखने के बाद इन्होंने बाकी किसी को इस शक्ति को दिया ही नहीं। खैर, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। वही चीज हो रहा है, अति हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा होने के बाद अब ये संगठन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ आखिरकार गुटरेस को कहना पड़ रहा है कि हाँ यूएनएससी को बदलने की जरूरत है, तो सच मानिए बहुत जल्द आप देखेंगे या तो ये संगठन टूट गया है या ये संगठन पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि धीरे धीरे अब प्रभावशाली
देशों का प्रभाव भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पर तो लगता है जैसे बम पे बम फोड़ रहा है भारत। पहला और दूसरा वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरे वाले की उम्मीद चाइना ने बिल्कुल नहीं की होगी। और चाइना ने भारत के साथ एक मजाक किया था, वो मजाक बहुत भारी पड़ा है। इस वक्त चाइना बैठकर यही सोच रहा होगा। पहले की बात करें, पहला है म्यांमार जो हमारे देश के बगल में है। आप जरा सोचिए कि म्यांमार कितना रणनीतिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर रूस भी निवेश कर रहा है, जंग लड़ रहा है लेकिन हथियार भेजने से पीछे नहीं हट रहा है, चाइना भी हथियार भेज रहा है और भारत के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि भारत ने भी बहुत सारे हथियार भेजे हैं। हालांकि भारत ने साफ किया कि ये जो हथियारों की डील थी ये पिछली सरकारों में ही हुई है। ये बात तो बेहद जरूरी है चाइना के लिए कि अगर भारत को परेशान करना है तो म्यांमार में दाखिल हो जाओ। चाइना म्यांमार में सिर्फ दाखिल नहीं हो रहा है बल्कि म्यांमार में मिलिट्री बेस बनाने की भी सोच रहा है। म्यांमार में अगर मिलिट्री बेस बनाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। अचानक से भारत ने चाइना के इरादों को भांपते हुए अपने बड़े प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा सुस्त चल रहा था वहां पर आगे बढ़कर भारत ने सितवे पोर्ट को चालू करवा लिया है। सितवे पोर्ट म्यांमार का ऑपरेशनल हो गया है पिछले ही सप्ताह और यहाँ पर पहला वेसल्स भी पहुँच गया है कोलकाता से निकला हुआ। सितवे पोर्ट पे भारत और म्यांमार के बीच व्यापार शुरू हो गया है। सितवे पोर्ट भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इसकी लोकेशन देखकर आप समझ सकते हैं। चिकन नेक जिस पर नजर रहती है चाइना की, उसके लिए ये पोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भारत के करीब 4 रूट बन गए हैं मेजर जो म्यांमार के साथ बिजनेस में मदद करते हैं। एक तो सितवे से पालेतवा जिसे कहते हैं रिवर कालादान, वहां से यात्रा, हल्दिया से सितवे पोर्ट की यात्रा और आपको बता दें पालतेवा इंडो से म्यांमार बॉर्डर की, इंडो म्यांमार बॉर्डर। ये 4-5 रूट बन गए हैं जो इस वक्त भारत और म्यांमार के बीच के व्यापार को बढ़ा रहे हैं। कोको आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाने की सोच रहा है चाइना और यहाँ भारत ने भी सितवे पोर्ट को चालू कर दिया है। और दूसरा वाला बड़ा बम, जब भारत ने ना बहुत सारी चीजें बैन करनी शुरू कर दी थी चाइना से, तब दुनिया को क्या, हमारे देश में भी कई सारे लोग थे जिन्हें लगा था भारत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री यही सारा कुछ कह रहे थे पर अब उसका रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे सामान अब हमने मंगाने कम कर दिए हैं चाइना से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पर असर देखने को मिल रहा है। जहां 2022-23 में हमने मात्र 27.7 बिलियन का मंगवाया तो वहीं इससे पहले करीब 30.3 बिलियन डॉलर के हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाए थे। इसके अलावे कई सारे सेक्टर हैं जहां पर अब धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट कम हो रहा है। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, भारत ने जो PLI स्कीम लॉन्च किया है उसकी वजह से हो रहा है। चाइना ने कभी मजाक उड़ाया था कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है पर अब वो चीजें सच होती हुई दिख रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।